मुरादाबादी पुलाव की रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन ये मैंने कुकर में बनाया है, वो भी आधे घंटे में, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। देखिए, बिल्कुल ताला साफ है, एक दाना अलग है और एक चावल नहीं टूटा, आप चेक कर सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए लिया है मैंने ये 2 कप चावल, उसे अच्छी तरह से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। और एक तरफ लिया है मैंने कपड़ा, उसमें लिया है 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून पिसी हुई सौंफ, अगर आप साबुत लेंगे तो 2 टेबल स्पून ही लेंगे। और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाला है, हाफ मीडियम साइज़ की प्याज है, और 10 से 12 कलियाँ लहसुन की हैं, 2 इंच के टुकड़े दालचीनी के हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं जायफल जावित्री के, और उसमें मैंने ज़ीरा भी डाला है थोड़ा सा। और ये हैं कुछ हरी मिर्च हैं, थी सूख गई थी तो मैंने पोटली में यूज़ कर लिया उन्हें। अब मैं पोटली बांध कर अपने गोश्त में डाल दूंगी, और लगभग 400 ग्राम मेरा गोश्त था, उसमें डाले मैंने 2 तेज़ पत्ते, और ये गलती से ज़ीरा गिर गया था मुझसे, तो मैंने इसमें पानी डालकर इसे पकने के लिए रख दिया है गोश्त गलने तक के लिए। एक तरफ लिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून है ये, उसमें डाला हाफ टी स्पून खुशबू का मसाला, और 1 टेबल स्पून डाला है दही, और उसमें डाला है 1 मीडियम साइज़ का टमाटर था, 5 से 6 थी हरी मिर्चें। अब मेरा गोश्त गल गया है, मैं चेक कर रही हूँ, अखनी गल गई है, अखनी हो गई है तैयार, गोश्त गल गया है। अब मैं इसकी बोटियाँ अलग कर लूँगी पानी से, और इसी मसाले में हमें बघार लगाना है। अच्छी तरह से इसकी जो पोटली है उसे निचोड़ निचोड़ कर उसका पानी में इस प्याले में कर लिया है मैंने, और इसमें कुकर को वॉश करके मैंने इसमें डाला है 1/4 कप ऑयल, उसमें डाली है इलायची काली वाली, ये बहुत बड़ी थी तो मैंने इसे हाफ कर लिया है, और अगर आपकी छोटी होगी इलायची तो आप पूरी डालेंगे। और ये 2 हरी इलायची गई हैं, 3 लौंगें गई हैं, और 8 से 10 गई हैं इसमें काली मिर्चें, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाला है मैंने, और ये डाल दिया मैंने सारा मसाला अखनी के साथ, अखनी की बोटियों के साथ। अच्छी तरह से भूनना है इसे, कच्ची स्मेल जो होती है रॉ स्मेल लहसुन अदरक की वो निकलने तक। और 1/2 कप डाला है मैंने इसमें मटर के दाने। अच्छी तरह से हमें इसे भून लेना है, और उसमें बाद में डालना है पानी। पानी हमें इस तरह से डालना है, 2 कप अगर मेरे चावल हैं, अगर मैं नॉर्मली भगोने में पकाऊंगी तो उसमें डालूंगी 4 कप पानी, लेकिन मुझे कुकर में पकाना है तो इसमें 1/2 कप पानी बचा लूंगी मैं, यानी मैंने इसमें 3.5 कप पानी डाला है। और नमक भी चेक किया है, नमक 2 बार चेक कीजिएगा, एक बार चावल डालने के बाद और एक बार चावल डालने से पहले। नमक इतना तेज़ होना चाहिए कि आपकी ज़ुबान को लगे। अब मैंने चावल डाल दिए हैं इसमें बॉयल आने के बाद, और नमक चेक किया है तो मुझे कम लगा, मैंने और डाला। अब मैं बॉयल का वेट करूँगी, और मैंने लगा दिया अब ढक्कन, और अब इसी आँच पर मुझे इसमें 3 सीटियाँ लेनी है। मैंने वीडियो फास्ट कर दिया लेकिन काटी नहीं है, देखिए 3 सीटियाँ ली हैं मैंने। 3 सीटियाँ लेने के बाद हमें अपने चूल्हे को कर देना है बिल्कुल स्लो, और स्लो करने के बाद हमें 10 मिनट वेट करना है। 10 मिनट वेट करने के बाद हमें कर देना है चूल्हा बंद, फिर 5 से 6 मिनट के बाद हमें वेट करना है। लेकिन मैंने 10 मिनट वेट करा था, और उसके बाद मैंने चेक किया अपने चावल, और मैं ढक्कन खोल के देख रही हूँ मेरे चावल हो गए तैयार। मुझे इसमें बघार लगाना है, और डालना है जर्दा रंग जो मैंने पानी डालकर भिगो के रखा था। अब मैं इसमें लगाऊंगी बघार। बघार लगाने के लिए मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून सनफ्लावर ऑयल, और उसमें डाले हैं प्याज के छल्ले, कैरमलाइज करके बघार लगा दूंगी। ऑयल ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा चावल जो है थोड़े पुराने हैं तो ज़्यादा ऑयल लेते हैं, आप अपने हिसाब से देखिएगा। अब मैंने बघार लगा दिया है, 2 से 3 चुटकी डाला है खुशबू का मसाला, और 10 मिनट के लिए रख दिया था दम पर, और फ़ौरन ही कर दिया था सर्व। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।